फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस आयरिश एसेइस्ट ओलिवर गोल्डस्मिथ का बेस्ट हार्ट टचिंग एसे ऑन नेशनल प्रेजुडिस। काफ़ी सिंपल और इंस्पायर करने वाला एसे है और कार्टून्स की हेल्प से काफ़ी सिंपल और डिफरेंट वे में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबाउट द एसे, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश मैगजीन इन अगस्त 1760। इस एसे को अगस्त 1760 में ब्रिटिश मैगजीन नाम के कलेक्शन में फर्स्ट बार पब्लिश किया गया था। गोल्ड स्मिथ आर्ग्यूज दैट इज इट पॉसिबल टू लव वंस ओन कंट्री विदाउट हर्टिंग द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन आई विल कॉल माई सेल्फ अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। गोल्ड स्मिथ आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि क्या यह पॉसिबल नहीं है कि हम बिना दूसरे देशों से नफरत किए अपने देश से प्यार करें, और अगर नहीं तो मैं खुद को किसी एक कंट्री का सिटीजन नहीं कहकर पूरे वर्ल्ड का सिटीजन कहूँगा। ही टॉक्स अबाउट प्रिजुडिसेस विच पीपुल हैव अबाउट अदर पीपुल फ्रॉम अदर कंट्रीज। राइटर दूसरे देशों के लोगों के बारे में अपने देश के लोगों की जो प्रिजुडिस यानी कि पक्षपात हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेशनल प्रेजुडिस इज द राइटर्स ऑन पर्सनल ओपिनियन रिगार्डिंग द पीपल ऑफ यूरोप। नेशनल प्रेजुडिस जो ऐसे हैं वो यूरोप के देशों के लोगों के बारे में राइटर का पर्सनल ओपिनियन है। एक बार ऐसे के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस ऐसे में राइटर ने नेशनल प्रेजुडिस यानी कि राष्ट्रीय पक्षपात पर आर्ग्यू किया है। इन्होंने कहा कि हमें अपने प्यार को देश से आगे भी ले जाना पड़ेगा, तभी हम सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया के सिटीजन कहलाएंगे। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, बट इसका यह मतलब नहीं है कि हम अदर कंट्रीज से नफरत करें, उनके बारे में भला बुरा कहें। हमें अदर कंट्रीज और वहाँ के लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशनल प्रेजुडिस को राइटर कैसे गलत साबित करते हैं, यही सब हम इस एसे में पढ़ेंगे। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एसे। इस ऐसे के राइटर ओलिवर गोल्डस्मिथ घूमने के काफ़ी शौकीन थे और यूरोप के लगभग सभी देशों में घूम चुके थे। ये कहते हैं कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जो अपना टाइम बार, कॉफ़ी शॉप और पब्लिक प्लेस में स्पेंड करते हैं, और इसलिए मुझे डिफरेंट लोगों से मिलने, बातचीत करने, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, और यह सब किसी आर्ट और नेचर को जानने से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। और ऐसे ही एक टूर के दौरान मैं हाफ डजन जेंटलमैन की ग्रुप से मिला जो पॉलिटिकल अफेयर के टॉपिक पर वाद विवाद या झगड़ा कर रहे थे, और इस ग्रुप के लोगों ने मुझे अपनी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया। वैसे तो कन्वर्सेशन करने के लिए कई टॉपिक्स थे, लेकिन हमने यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में बातचीत करना डिसाइड किया, और ये कन्वर्सेशन चली रही थी तभी सडनली ग्रुप में से एक आदमी अपनी स्टाइल में खड़ा होता है, जैसे कि उसके पास कोई बात करने के लिए स्पेशल वजह हो। वह खुद को एक जेंटलमैन समझता था और सोचता था कि उसे इंग्लिश नेशन की पूरी नॉलेज है। उसने कहा कि डच लोग काफ़ी लालची और कंजूस होते हैं, फ्रेंच खुशामद करने वाले चापलूस होते हैं, जर्मन्स काफ़ी शराब पीते हैं और बहुत खाना खाते हैं, और स्पेनियर्ड्स यानी कि स्पेन के लोग बहुत ही घमंडी, तानाशाह और चिड़चिड़े नेचर के होते हैं। बेसिकली ये जेंटलमैन डच, फ्रेंच और जर्मन्स, स्पेनियर्ड्स लोगों की बुराई कर रहा है, और ये इंग्लैंड के लोगों की तारीफ कर रहा था कि उनमें सभी खूबियाँ हैं, वे ब्रेव यानी कि बहादुर हैं, बड़े दिल वाले हैं। इस जेंटलमैन से अपनी कंट्री की तारीफ सुनने पर राइटर को छोड़कर ग्रुप के सभी लोगों ने इसकी काफ़ी तारीफ की। उसकी बातें सुनकर राइटर अपने सिर को हाथों पर रख लेते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि वह उसकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। राइटर ऐसा जानबूझकर कर रहे थे ताकि उन्हें अपना ओपिनियन न देना पड़े। इनका ओपिनियन उस जेंटलमैन के स्टेटमेंट पर बिल्कुल अपोजिट था। ये नहीं चाहते थे कि फालतू में अपनी राय दें जिससे उसकी हैप्पीनेस गायब हो जाए, बट उसे यह अच्छा नहीं लगा कि ये आदमी अकेला साइलेंट होकर बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। इसे भी कन्वर्सेशन पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए। इस जेंटलमैन का लॉजिक था कि मेरी बात इसलिए सही नहीं हो जाती कि वो सही है, बल्कि तब सही होती है जब लोग उसे सही कहे, और इसलिए इसने राइटर को जाने से रोक लिया और कहा कि आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरा स्टेटमेंट कैसा था, मुझे ग्रुप में शामिल सभी लोगों का अप्रूवल चाहिए। राइटर कहते हैं कि वो आदमी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वह सीधा मेरे पास आया और पूछा कि क्या आप मेरे स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते। तब राइटर कहते हैं कि बेसिकली मैं अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने में इतना फॉरवर्ड नहीं हूँ, और स्पेशली जब मुझे लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ लोग उससे एग्री नहीं करेंगे तो मैं अपना ओपिनियन देने से बचता हूँ। वह कहते हैं कि जब तक मैं खुद एग्जामिन नहीं कर लेता तब तक मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देता।
जब तक मैं खुद यूरोप के देशों का कंप्लीट टूर नहीं कर लेता तब तक उन देशों और वहाँ के लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं कोई भी कही सुनी बातें नहीं कहूँगा, पहले मैं खुद देखूँगा, सोचूँगा और फिर कुछ कहूँगा। और अगर मेरी तरह कोई जज होगा तो वह यह कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा कि डच लोग बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, साथ ही कम खर्च करने वाले भी होते हैं। फ्रेंच लोग सेल्फ स्टेन और पोलाइट होते हैं। जर्मन्स काफ़ी सासी और हार्ड वर्किंग होते हैं। स्पेनियर्ड शांत स्वभाव के, गंभीर और स्थिर होते हैं अंग्रेज़ों के कंपैरिजन में। इंग्लैंड के लोग भले ही ब्रेव हैं, दयावान हैं, बट साथ ही वे जिद्दी और गुस्सेल भी होते हैं। वे प्रोस्पेरिटी से कुछ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और प्रॉब्लम के टाइम ऑफ लेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बेसिकली राइटर यह कहना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों में भले ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं लेकिन उनमें कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी होती हैं। इन्होंने देखा कि लोगों को इनका स्टेटमेंट पसंद नहीं आया और इन्होंने राइटर को अप्रिसिएट भी नहीं किया। ग्रुप के लोगों ने इन्हें नफरत वाली नज़रों से देखा। लोगों ने सरप्राइज्ड होकर कहा कि इस आदमी की हिम्मत तो देखो, ये ऐसी कंट्री में रह रहा है जिससे ये प्यार नहीं करता और गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन को एंजॉय कर रहा है और अपने मन में अपनी कंट्री को दुश्मन मान रहा है, यह उसके लिए कम्प्लीटली डेडिकेट नहीं है। राइटर कहते हैं कि अपना स्टेटमेंट ग्रुप के सामने एक्सप्रेस करने के बाद उनमें मेरे लिए जो पहले रिस्पेक्ट थी उसे अब मैं खो चुका था और अब मेरे जो प्रिंसिपल थे वे उस पर सवाल उठाएंगे कि बेकार है ऐसे लोगों से आर्ग्यू करना जो अपने ओपिनियन से ही भरे पड़े हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं हैं। बाद में इन्होंने अपनी बात को यहीं छोड़ दिया और ये अपने प्लेस पर चले गए जहाँ पर ये रुके हुए थे। इन्हें काफ़ी अजीब लगा कि बिना कंप्लीट नॉलेज के कोई किसी के बारे में कैसे बुरा कह सकता है। साथ ही ये भी सोचते हैं कि खुद की कंट्री से प्यार करने के लिए अदर कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है क्या। जब किसी एक फिलोसोफर से पूछा गया कि वह किस कंट्री का निवासी है तो वह कहता है कि वह इस पूरी दुनिया का निवासी है। वह यहाँ पर वर्ल्डली होकर रिप्लाई करता है। वह खुद को किसी पर्टिकुलर कंट्री का सिटीज़न न बताकर पूरे वर्ल्ड का सिटीज़न बताता है। राइटर कहते हैं कि आजकल ऐसे कितने लोग हैं जो फिलोसोफर की तरह एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। वह कहते हैं कि हम लोग इतने इंग्लिश मैन बन चुके हैं, कोई डच मैन बन चुके हैं, कोई स्पेनियर्ड्स हैं, कोई जर्मन्स हैं, कि अब हम इस वर्ल्ड के सिटीज़न तो हैं ही नहीं। हमने खुद को एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ, एक तुच्छ सोसाइटी के साथ खुद को जोड़ लिया है। आगे वे कहते हैं कि ये जो प्रेजुडिसेस हैं क्या ये कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों के बीच ही होती है। अगर हाँ तो इन्हें तो माफ़ किया जा सकता है क्योंकि इनके पास तो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि ये पढ़कर, ट्रेवल करके और फॉरेनर से बात करके अपने ओपिनियन को चेंज कर सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ये जो जेंटलमैन हैं वो अपने प्रेजुडिसेस से उनके ओपिनियन को भी अफेक्ट करते हैं। आगे राइटर कहते हैं कि ये जो जेंटलमैन हैं उन्हें अपने आप को जेंटलमैन कहलाने का पूरा अधिकार है। भले ही उसकी पोस्ट काफ़ी ऊंची हो, उसने एक अच्छे घर में जन्म लिया हो, लेकिन फिर भी अगर उसके माइंड में प्रेजुडिसेस की फीलिंग्स हैं तो मैं यह कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगा कि तुम्हारा एक बहुत ही शेलो, एक लो माइंड है और तुम्हें अपने आप को जेंटलमैन कहलाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है अगर तुम भी उस प्रेजुडिसेस के शिकार हो तो। जिन लोगों में कोई क्वालिटी नहीं होती, खुद में कोई एबिलिटी नहीं होती, वही लोग होते हैं जो देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वह कहते हैं कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनमें अगर प्रेजुडिसेस हैं भी तो उन्हें तो माफ़ कर दें, लेकिन जो एजुकेटेड समझदार लोग हैं, जो अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, जिनके पास सोसाइटी में अच्छी पोजिशन है, वे अगर इन अनरीजनेबल प्रेजुडिसेस में अपने आप को इंक्लूड करेंगे तो यह दिखाता है कि उनमें कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है। वे फालतू में नेशन के बारे में बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं और इन लोगों में बहुत ही कम अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। राइटर कहते हैं कि अगर आप कहोगे कि ये जो प्रेजुडिसेस हैं हमारा अपनी कंट्री के लिए प्यार है तो मैं समझ जाऊँगा, लेकिन अगर आप कहोगे कि ये नेचुरल है और ज़रूरी है अपने नेशन से प्यार करने के लिए तो मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। ब्लाइंड बिलीफ यानी कि अंधविश्वास भी रिलीजन यानी कि धर्म की ग्रोथ के लिए है, लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि अंधविश्वास धर्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बेसिकली राइटर कहते हैं कि अपनी कंट्री से प्यार करना नेचुरल है, लेकिन इस प्यार के लिए दूसरों की कंट्रीज़ के लिए प्रेजुडिसेस को बढ़ावा देना गलत है। फिर आगे वह क्वेश्चन पूछते हुए कहते हैं कि क्या यह पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने देश से प्यार भी करूं और साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ और वहां के लोगों से नफरत भी ना करूं, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैं खुद को किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का सिटीज़न नहीं कहूंगा कि मैं डच मैन हूं, फ्रेंच मैन हूं, जर्मन हूं या फिर स्पेनियर्ड्स हूं, मुझे ऐसे टाइटल नहीं चाहिए और तब मैं खुद को सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इस पूरी दुनिया का निवासी मानता हूँ।
एज अ रिजल्ट इस ऐसे में यही बताया गया है कि आप अपने देश से प्यार कीजिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे देशों और वहाँ के लोगों से नफरत करें, उन्हें भला बुरा कहें। तो यह है आयरिश राइटर ओलिवर गोल्डस्मिथ का ऐसे ऑन नेशनल प्रेजुडिस। और कैसा लगा आपको यह ऐसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।